प्रदेश भर की कृषि उपज मंडी से तुलावटी हमाली प्रथा बंद होने से लाखों परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराते दिख रहा है। ऐसे में परिस्थिति से निपटने के लिए मजदूर संघ सड़कों पर उतरा और समस्या निवारण के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। दरअसल खरगोन जिले की उपज मंडी में तुलावटी हमालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसे में संघ ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को सौंपा है ज्ञापन। इस दौरान अध्यक्ष भारत रघुवंशी ने बताया कि शासन की मंशा अनुरूप हमें हटा दिया गया है, ऐसे में हम गरीब मजदूर कहाँ जाएं। वहीं मीडिया के रूबरू संघ के चेतावनी दी है कि अगर शासन ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वह आत्मदाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल कोरोना काल में मजदूरों को सब बेरोजगारी की चिंता सता रही है, ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार संघ की मांग मानेगी या उन्हें आत्मदाह के लिए विवश होना पड़ेगा। यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये आप लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आपको? मंडी बोर्ड भोपाल का आदेश का हवाला देके एसडीएम महोदय और सचिव महोदय ने हमको मंडी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हम पिछले 25-30 सालों से कार्यरत हैं कृषि उपज मंडियों में। हम शासन प्रशासन से जानना चाहते हैं कि हम जब इतने वर्षों से कार्यरत हैं तो हम अब क्या करेंगे। जो 30 वर्ष का है, जो 40 वर्ष का है, अब वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे? 40-40, 50-50 साल से हम रोजगार कर रहे हैं तो अब हम कहाँ जाएंगे, ये पूछना है। प्रदेश की सभी मंडियों में लाखों हमाल तुलावटियों को बेरोजगार बेघर कर दिया गया है। अब क्या मांग चाहते हैं? अब क्या श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं, यदि वो हमारी मांगों की सुनवाई नहीं करते हैं तो हम कल से धरना दे रहे हैं, फिर आगे जो भी रूपरेखा बने हम आत्मदाह तक पीछे नहीं हटेंगे। कितने हमाल हैं यहाँ? यहाँ पे हमाल तुलावटी मिला के 200। क्या नाम आपका? भारत रघुवंशी, अध्यक्ष हमाल तुलावटी साहब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।